اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. अब एक चीज़ आपको शायद नई नज़र आएगी, जिन्होंने तजवीद भी किए शायद उन्होंने ये चीज़ पढ़ी ना हो, लेकिन देखते हो क्या नई चीज़ है। लिसान का मतलब क्या है? ज़बान। तो मैंने कहा था ज़बान से निकलने वाले हुरूफ बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे मखारिज के। तो लिसान के मखारिज में दांतों और ज़बान दोनों का इस्तेमाल होता है। आप दांत भी यूज़ करेंगे और आपकी ज़बान भी यूज़ करेंगे, इसलिए पहले उनके नाम जानना ज़रूरी है कि दांतों के नाम क्या क्या हैं। हमें डेंटिस्ट तो नहीं बनना है, लेकिन नाम याद करने होंगे। तो इनके अलग अलग जो नाम आते हैं, अगर वो आप अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32, लेकिन है नहीं अभी फिलहाल। हाँ, सबके तो मेरे ख्याल से होंगे भी नहीं, आधे तो खा के वो टूट भी गए हैं, इतने हम खाते ही रहते हैं। बहरहाल कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 12 दांत होते हैं और 20 दाढ़ें होती हैं। दांत को क्या कहते हैं अरबी में? अस्नान। अस्नान यानी दांत। जो भी गल्फ में रह रहे हैं वो कभी डॉक्टर्स के यहाँ जाते होंगे हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है तबीबुल अस्नानी, यानी दांत का डॉक्टर, डेंटिस्ट जिसे कहते हैं। तो दांत का मतलब अरबी में आता है अस्नान। तो दांत और दाढ़े भी होती हैं। दांत कितने हैं? 12 हैं। बाकी के जो बचे हुए वो दाढ़े हैं, 20 दाढ़े हैं। तो वैसे भी दाढ़ों का हम इस्तेमाल खाने पीने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दाढ़े ज़्यादा होती हैं। बहरहाल जो दाढ़े कितने हो गए? 20, और दांत होते हैं 12। अब ये मैं अपने प्रेजेंटेशन में बताऊंगी ताकि इससे और ज़्यादा आपको इजी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें रिवीजन मैंने पहले किया हुआ है, उसके बाद इसके अंदर दांतों का आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, ऊपर के दांत और नीचे के दांत। ऊपर के दांत आप ऊपर देखें, यहाँ पर कलरफुल दिया हुआ है रेड कलर में या पिंक कलर में, जो भी है। या आगे के ऊपर के जो दांत है उसको कहते हैं सनाया उलिया। उलिया का मतलब क्या है? ऊपर वाले। उलिया किससे? आला से, है ना। तो ऊपर वाला सनाया उलिया, सिर्फ ऊपर के जो दांत है ना उसके अंदर थोड़ा नाम में थोड़ा फर्क है, वरना सारे दूसरे दांत हैं ऊपर और नीचे के सेम सेम आपको मिलेंगे। तो सनाया उलिया किसको कहते हैं? जो ऊपर के दो दांत है उसको सनाया उलिया कहते हैं। फिर नीचे के जो दांत हैं उसको कहते हैं सनाया सुफला। सुफला किससे हैं? सफल असफल साफिलीन। देखिए इसमें आता है, कुरान में ही आता है असफल साफिलीन। तो सुफला का मतलब क्या है? नीचे वाले दांत। तो नीचे वाले जो सामने के दो दांत हैं जो हमारे सामने नजर आते हैं, तो उसको कहते हैं सनाया सुफला। सनाया सुफला हो गया, आगे जो आगे के नीचे के दो दांत सनाया सुफला, और ऊपर के दो दांत उसको सनाया उलिया कहते हैं। सनाया सुफला को आप इस तरह याद रखें, जैसे सूरह 3 में आयत नंबर 6 में, सॉरी किस में आता है, 5 में आता है सॉरी, उसमें क्या आता है? तुम रददना हो असफल साफिलीन, फिर इसे नीचों से नीचे कर दिया। तो नीचे वाला जो है उसको इस तरह याद रखें, नीचे वाले दो दांत जो सामने वाले हैं उसको सनाया सुफला कहते हैं। अब जो ये मैं पढ़ा रही हूँ वो आपने नेक्स्ट क्लास तक याद करके आने सारे दांतों के नाम। पहला सनाया उलिया, आगे के सामने के दो दांत, नीचे के सामने के दो दांत सनाया सुफला। तो यहाँ पर सनाया है, तो कितने हुए टोटल? ऊपर के दो और नीचे के दो सनाया मिलके 4 दांत आ गए, ये 4 हो गए। उसके बाद आते हैं रुबाइयत। रुबाइयत ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर दो हैं
नीचे दो हैं, यानी ये भी टोटल चार दांत हैं, रुबाइया चार होते हैं। जो बाजू के है ना आगे के, तुम्हारे आपके जो सामने के दांत है उसके बाजू में जो है वो रुबाई आ गई, रुबाइया। फिर उसके बाद वाले बाजू के, उसके बाजू वाले दांत आते हैं वो है अनयाब, अनयाब। ये भी चार होते हैं, ऊपर दो होते हैं और नीचे दो आएंगे, यानी टोटल चार होते हैं। फिर उसके बाद वाले आते हैं दवाहे, दवाहे उसके बाजू वाले आएंगे, वो भी दो ऊपर और दो नीचे। इंशाल्लाह आपको बहुत इजी करके मैं उसको याद रखने का तरीका बताऊंगी, उसके मतलब बताऊंगी तो आपको फौरन याद हो जाएगा। पहले सिर्फ नाम देखते हैं, दवाहे बाजू के दो दांत उसके आए, यानी ये भी चार हो गए, ऊपर और नीचे चार हो गए। फिर उसके बाद आते हैं तवाहिन, तवाहिन सबसे ज्यादा होते हैं, खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं ना, 3 टाइम से ज्यादा कभी कभी खा लेते हैं, तो ज्यादा दांतों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर छह होंगे नीचे छह, कैसे, राइट में तीन लेफ्ट में तीन, ऊपर और फिर नीचे भी राइट में तीन और लेफ्ट में तीन, कितने हो गए, ऊपर छह नीचे छह, यानी टोटल हो गए आपके 12 तवाहिन। फिर उसके बाद लास्ट में आता है, लास्ट एकदम एंड में आता है नवाजिब, जो ऊपर दो होते हैं नीचे दो, ये भी चार होते हैं। यानी देखा जाए तो हर हर कैटेगरी में चार चार दांत आए सिवाय तवाहिन के। अब हो सकता है ये बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगे कि ये किस तरह हम याद रखें, तो इसको देखें याद रखने का इजी तरीका मैं बताती हूँ कि इसको आप देखें इस तरह याद रखें। सनाया जो होता है उसका मतलब क्या होता है, दो के माने में आता है, अरबी में दो को कहते हैं सनाया, तो दो दो याद रखें, दो आगे के दो दो याद रखें। रुबाई का मतलब क्या होता है, रुबाई का मतलब होता है चार, तो इस तरह याद रखे चार, अभी दो और दो मिलके चार बन गए, इस तरह। रुबाइया, रुबाइया जो होता है ना वो सिंगुलर आता है, रुबाइयात जो होता है प्लूरल में आता है। अब अनयाब बाजू का आ गया, अनयाब, अनयाब का मतलब होता है कटर, कटर जो बोलते हैं ना कटर टीथ, काटने वाले जो दांत होते वो अनयाब होंगे। इससे हम कोई भी चीज काटनी हो है, जैसे एप्पल काटना है तो वही दांत हम यूज करते हैं, जो हार्ड हार्ड कोई चीज काटनी है तो वो जो नुकीला जो होता है ना दांत उसको कहते हैं अनयाब। तो ये अनयाब आ गया यहाँ पर ऊपर और नीचे। उसके बाद ये कटर वाला तीत होने के बाद दवाहिक, दवाहिक का मतलब क्या होता है अरबी में, दाहा का मतलब होता है हंसना। कुरान में भी एक आयत आती है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी वो हंस पड़ी जब उन्हें खुशखबरी दी गई बच्चे की, कि मैं तो बुढ़िया हूँ कैसे मुझे बच्चा होगा, तो वो हंस पड़ी। तो वहां पर ये वहां पर वर्ड आया ये वर्ड दवाही का, दाहका करके तो उसके अंदर आप देखें इसका मतलब है हंसना। तो ये दांत जो है दवाहिक जो है वो कब नजर आएंगे, जब आप, इसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डार्क करके दिख रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्लियर नजर आएगा आपको, दवाहिक जो ब्लू कलर आ गया है यहाँ पर, दवाहिक आता। तो दवाहिक यानी हंसना, जब हम खुल के हंसते हैं ना तो ये हमारे दांत जाहिर नजर आते हैं, जब खुल के हंसते हैं तब। तो ये इससे याद रखे दवाहे दाहिका दाहका, तो ये हंसने वाले दांत। हंसने वाले था। इसके बाद जो आते हैं वो है तवाहिन, तवाहिन का मतलब क्या है, पीसने वाले दांत। हम पीसते हैं ना ग्राइंडर देन टीथ जिसे ग्राइंडर कहते टीथ हैं, जिसे कहते हैं, तो ये तो ग्राइंडर ये टीथ होते हैं। जो लोग गल्फ में रह रहे हैं उनको ये इजी हो जाएगा समझना, गल्फ में एक पेस्ट मिलता है, वैसे भी पेस्ट के लिए कहते हैं तहीना, तहीना जो हमूस बनाते हैं ना डिश, उसके अंदर तहीना यूज करते हैं जो बना के, तो वो तहीना सीसम पेस्ट जिसे कहते हैं, तो पेस्ट के लिए कहते हैं तहीना, तो उसी से तवाहीन आप याद रखिए।
तवाहीन जो है वो ग्राइंडर पीट के लिए आता है, पीसा हुआ पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तवाहीन तहीना या इसे याद रख सकते हैं। अब नवाजिस का मतलब होता है होल्डर तीत या विजडम तीत जिसे कहते हैं, वो लास्ट होते हैं, तो ये नवाजिस, इसको आप होल्डर तीत या आप विजडम तीत भी कहते हैं। तो ये हो गए दांतों के नाम। अब इसे अगर इस तरह भी देख सकते हैं आप, सामने के जो दांत आ गए ये क्या है, सनाया उलिया, ऊपर के दांत, सामने के नीचे के सामने के दो दांत हैं उसको सनाया सुफला कहेंगे। फिर बाकी के जो दांत है पीछे पीछे और साम, ये जो ऊपर नीचे के, वो सेम नाम रहेंगे, सिर्फ आगे के दो दांत हैं उसमें सनाया उलिया और सनाया सुफला आएगा, वरना सारे दांतों के नाम सेम सेम ऊपर नीचे वाले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद वाला क्या है, रुबाइया। रुबाइया सिंगुलर है, रुबाइयात, अभी चार दांत आ गए ना तो रुबाइयात कहेंगे, एक दांत को कहेंगे रुबाई या रुबाइया। इसी तरह सनाया और सनाइया, ये सनाइया ये सिंगुलर और सनाया प्लूरल में, यानी दो दो के लिए एक्चुअली आता है ये। तो रुबाइया ये रुबाइया सिंगुलर आएगा, रुबाइयात आत आतुन आतिन, ग्रामर वाले याद रखे, तो ये प्लूरल के लिए आएगा। नाब सिंगुलर आएगा, अनियाब हमने पढ़े वो प्लूरल के लिए आएगा, जमा के लिए आएगा, बहुत सारे अनियाब, तो वो कटर वाला तीत जो हमने देखे थे, कटर वाला यहाँ पर आ गया, कट करने के लिए नुकीला जो दांत होता है उसको कहते हैं। फिर दाहिक एक दांत के लिए आता है, जो हंसने वाले दांत हैं, हंस जब खिल के हंसते हैं तो वो दांत नजर आते हैं, उसके पिलुलर है दवाहिक, एक दांत के लिए दवाहिक कहेंगे, बहुत सारे दवाहिक, तो ये दांत आएंगे दवाहिक। हंसते बहुत ज्यादा, यानी खुल के हंसते तब ये नजर आते हैं। और हदीसों में भी आपको ये वर्ड नजर आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े तो उनके ये जो दवाहिक नजर आए, तो वो वर्ड आया हुआ है, तो हंसने वाले दांत याद रखे, लाफिक दित। फिर तवाहिन या ताहिन, तवाहिन जो है वो सिंगुलर आएगा, तवाहिन प्लूरल में आता है, जमा के लिए आता है, तो ये जमा के लिए आएगा, तो एक एक दांत को कहेंगे तौहीन होंगे, और बहुत सारे हैं हमारे टोटल जो तवाहिन है वो 12 हैं, तो 12 के लिए तवाहिन कहेंगे, वो पीछे वाले मोलार कहते हैं इंग्लिश में, तो ये पीसने वाले ग्राइंडिंग टीथ होंगे। लास्ट में एंड में जो आएगा एक के लिए नाजिस कहेंगे, और है तो चार ना, तो नवाजिस होंगे, नवाजिस पिलुलर के लिए आते हैं। नाजिस एक होल्डर या होल्डर टीथ या विजडम टीथ, नवाजिस बहुत सारे नवाजिस आएंगे, यानी पिलुलर जो जमा है उसके अंदर आएगा। तो ये दांतों के नाम अपने अच्छे से याद करने हैं, इसके लिए भी एक होमवर्क रहेगा कि आपने इसको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके खुद नाम लिखने हैं उसके। आपके अगर ड्राइंग नहीं भी अच्छी है तो भी प्रैक्टिस करें कि किसके बकरियों के दांत बनाए, किसके बनाए, लेकिन बनाए जरूर ताकि प्रैक्टिस होते रहें। तो यहाँ पर एक रिवाइज करते हैं कि हमारे सनाया जो है वो चार है, रुबाई भी चार है, उसके बाजू वाले सनाया के बाजू वाले रुबाई हैं, फिर अनयाब भी चार है उसके बाजू वाले, और उसके बाद दवाहिक चार है, तवाहिन 12 है, और नवाजिस चार है, सारे के सारे चार चार आएंगे सिवाय तवाहिन के जो 12 है। तो इस तरह से आप याद रखे, दांत होते हैं 12 और दाढ़े होती है 20। तो यहाँ पर कलरफुल नहीं आया हुआ है क्योंकि ये जो है ना स्क्रीन सही नजर नहीं आ रही है, ये ओरिजिनल बुक नहीं बल्कि उसके स्क्रीनशॉट लेके बुक इकट्ठी करके बनाई हुई, इसलिए भी सही नजर नहीं आ रही है। आप मेरे प्रेजेंटेशन से भी हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो करें। اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان.